जी व्यूअर, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोड नंबर 9 विला नंबर 12 की लोकेशन पे। मेरे लेफ्ट साइड पे विला नंबर 12 है। ये मेरा थर्ड एपिसोड है जो कि लास्ट एपिसोड है मेरे स्पोर्ट्स सिटी विला के हवाले से। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं सेव किया, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +92 3000 9825 10। किसी किस्म की भी स्पोर्ट सिटी विला के हवाले से आपकी क्यूरी है, आप यहाँ पे सेलिंग बाइंग के हवाले से कोई भी आपको क्यूरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या विला आपने रेंट आउट भी करना है यहाँ पे तो स्पोर्ट सिटी विला के हवाले से हमारा पाकिस्तान प्रॉपर्टी ट्रेड के चैनल से आपको रेंट के हवाले से भी फैसिलिटेट किया जाता है। तो इस वक्त रोड नंबर 11 रोड नंबर 9 विला नंबर 12 मेरे लेफ्ट साइड पे है। यहाँ पे जो है वो लास्ट जो टूर था उसमें हमने देखा है कि यहाँ पे ग्रे था, कि बिल्कुल ही ये तो भी डस्ट पेंट कर दिया बैरिया ने, तो डस्ट पेंट भी नहीं था यहाँ पे। ये टाइल्स का काम भी कंप्लीट हो चुका है और ये विला जो है वो वेस्ट ओपन विलाज हैं। मेरे राइट साइड पे जो है प्ले ग्राउंड है इसके साइड पे, तो यहाँ पे एलुमिनियम का काम किसी हद तक कंप्लीट हुआ है, बहुत ज़्यादा कंप्लीट हुआ और यहाँ पे ये काम हो भी रहा है। विला नंबर 12 से लेकर 18 तक ये विलाज है। और यहाँ से फिर हम टर्न करेंगे रोड नंबर 13 की तरफ। रोड नंबर 13 के विला नंबर 1 की लोकेशन पे मैं मौजूद हूँ। सॉरी, विला नंबर 1 नहीं बनेगा ये, विला नंबर 26 बनेगा। 26 से लेकर विला नंबर 20 तक के विलाज हैं ये मेरे लेफ्ट साइड पे। ये भी प्ले ग्राउंड को फेसिंग कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो काम है वो सेम यही है कि यहाँ पे टाइल्स का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ग्रे है यहाँ पे, भाइयों ने अभी काम नहीं किया। 2 माह पहले भी इसी हालत में थे, आज भी तकरीबन वही है। बहुत ज़्यादा काम में हमें बेहतरी नज़र नहीं आई कि यहाँ पे बहुत अच्छा बैरियर ने काम किया हो या बहुत तेज़ी से काम किया हो। इसके बाद रोड 13 के बाद हम एंटर्स करेंगे स्ट्रीट नंबर 32 की तरफ। ये मेरे सामने जो विला नज़र आ रहा है आपको, ये कॉर्नर का विला स्ट्रीट नंबर 32 का 1 नंबर विला। अब इसके साथ जो एक्स्ट्रा लैंड है तकरीबन आपको मिलेगी 200 गज़ की एक्स्ट्रा लैंड मिलती है। जो 10% आप पे कर रहे हैं वो इसी चीज़ का पे कर रहे हैं कि आपको 200 गज़ एक्स्ट्रा लैंड बैरियर 350 गज़ विला के साथ दे रहा है, और ये आप ही इसको इस्तेमाल में लेके आएंगे। और ये 1 से लेकर विला नंबर 5 तक ये विलाज हैं। और मेरे राइट साइड पे प्ले ग्राउंड है जो कि इन फ्यूचर बैरियर बना के देगा आपको, जिस तरह के इकबाल विला में बना हुआ है प्ले ग्राउंड। और ये बिल्कुल सामने जो विलाज हैं वो रोड नंबर 8 और रोड नंबर 9 और इसी तरह स्ट्रीट 12 11 और स्ट्रीट नंबर 13 के विलाज हैं। स्ट्रीट 32 के बाद मैं इंटर हुआ रोड नंबर 18 की तरफ। मेरे राइट साइड पे सारा ग्रीन बेल्ट है और लेफ्ट साइड पे हमें सारे विलाज मिलेंगे। स्ट्रीट 32 के बाद मैं इंटर होऊंगा स्ट्रीट नंबर 33 की तरफ। ये वो स्ट्रीट है जहाँ पे बैरियर ने काम किया और नज़र भी आएगा आपको कि काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। विला नंबर 1 से लेकर 6 तक ईस्ट ओपन विलाज हैं। विला नंबर 7 से लेकर विला नंबर 12 तक जो है वो वेस्ट ओपन विलाज हैं। और ये मशीनरी यहाँ पे काम कर रही है, ये फाइनल स्टेज पे हैं विलाज। यहाँ पे टाइल्स कंप्लीट हैं, गेट भी लग चुके हैं एक्सर विला के, एलुमिनियम का काम कंप्लीट है, ग्रिल का काम कंप्लीट है, DPS यहाँ पे लग चुकी हैं और स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पे लग चुकी हैं। रोड तो ऑलरेडी बैरिया बिछा चुका है यहाँ पे। तो ये स्ट्रीट नंबर 33 का स्टेटस है। और सामने मेरे जो विला नज़र आ रहे हैं वो आपको रोड नंबर 13 के विलाज हैं, विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 20 तक। और विला नंबर 1 से लेकर 20 तक के विलाज जो हैं वो तकरीबन फाइनल हो चुके हैं। कुछ विलाज हैं जो एंड वाले हैं 15 से 20 तक, जो अभी फाइनल नहीं हुए। बाकी सारे विलाज ऐसे हैं जो कि रेडी फॉर पोजेशन है, आप यहाँ पे पोजेशन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में जो विला नंबर 1 से लेकर 5 तक के विलाज थे वो कंप्लीट थे, आज जो है वो 15 ऐसे विलाज हैं जो फाइनल स्टेज पे हैं कि आप यहाँ पे पोजेशन अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रीट 33 के बाद एंटर होगा स्ट्रीट नंबर 34 में। और मेरे सामने जो आपको विला नज़र आ रहा है यही विला नंबर 1, इसमें एक्स्ट्रा लैंड 34 के साथ तकरीबन 350 गज़ एक्स्ट्रा लैंड दी गई। ये 1 से लेकर 8 तक जो विलाज हैं ये ईस्ट ओपन विलाज हैं, और 9 से लेकर 16 तक के जो विलाज की नंबरिंग है वो वेस्ट ओपन विलाज हैं। यहाँ पे भी ये विला जो है वो ये लॉक हो चुके हैं, फाइनल हो चुके हैं। यहाँ पे अभी वायर का काम कुछ कर रहे हैं बैरियर की तरफ से, जिसकी वजह से लेबर काम कर रही है।
बाकी ये विला लॉक है, यहाँ पे आप पोजेशन अप्लाई करके अपनी रेजिडेंस कर सकती हैं। और अब से जो बैरी ने रूल निकाला है कि आप पोजेशन अप्लाई करेंगे तो 3 माह का बैरियर टाइम देता है पोजेशन का, कि 3 माह के अंदर आपको पोजेशन देंगे। पहले जो कि हम 20-25 दिन के अंदर इजीली पोजेशन ले लेते थे, अभी आपको 1.5-2 माह तक का वेट करना होगा पोजेशन के लिए। फिर से रोड नंबर 18 की तरफ हमारा रुख हुआ और अब हम फिर लेफ्ट टर्न लेंगे और स्ट्रीट नंबर 35 का विज़िट करेंगे। विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 9 तक ईस्ट ओपन विलाज हैं स्ट्रीट 35 के, और विला नंबर 10 से लेकर विला नंबर सॉरी ये वेस्ट ओपन विलाज हैं विला नंबर 1 से लेकर 9 तक, और विला नंबर 10 से लेकर 19 तक ईस्ट ओपन विलाज हैं। ये विलाज भी बिल्कुल कंप्लीट हैं, लॉक हो चुके हैं। ये आप पोजेशन अप्लाई करें, यहाँ पे आपको बैरिया सिलिटेट करेगा और यहाँ पे आप अपनी रेजिडेंस इख्तियार कर सकते हैं। लास्ट भी इनमें 2-4 विलाज हैं जिनमें काम रहता था और ये अब तकरीबन सारे कंप्लीट हैं, कोई भी ऐसा विला नहीं है जो भी ओपन हो जिसमें काम हो रहा हो। ये रोड नंबर 13 का विला आ गए, विला नंबर 1 से 5 तक तो पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे बैरी ने काम किया हुआ था और ये कंप्लीट थी। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोड नंबर 14 की लोकेशन पे, और बिल्कुल सामने जो मेरे स्ट्रीट है वो स्ट्रीट नंबर रोड नंबर 15 है, और रोड नंबर 15 के ये बिल्कुल बैक साइड पे जो विलाज नज़र आ रहे हैं ये प्रीसेंट 31 के विलाज हैं 235 यार्ड के। तो रोड नंबर 15 को जो हम सबसे लास्ट में विज़िट करेंगे, इसका जो स्टेटस है यहाँ पे कितना काम हो चुका है वो सारा आपको बाद में विज़िट करवाता हूँ एंड पे, इससे पहले जो हमारा सीरीज चल रही है उसको हम विज़िट करते हैं। स्ट्रीट 35 हमने विज़िट कर ली थी और ये रोड नंबर 14 के विलाज हैं, विला नंबर 1 से लेकर 11 तक, ये सारे वेस्ट ओपन विलाज हैं, 80 फिट वाइट रोड के विलाज हैं। इनमें कुछ जो हैं वो विला 1 से लेकर 5 तक, और ये वेस्ट ओपन विला जो के मस्जिद को भी फेस कर रहे हैं, सॉरी 5 से लेकर 11 तक के विलाज जो हैं मस्जिद को फेस कर रहे हैं। और वो बिल्कुल सामने जो आपको विला नज़र आ रहा है कॉर्नर, वो मॉडल विला है और ये जामा मस्जिद है, और जामा मस्जिद का काम जो है बैरियर स्पोर्ट सिटी, तकरीबन 1800 विलाज हैं, एक ही जामा मस्जिद दी गई है और ये एक ही जामा मस्जिद जो के कंप्लीट होने को फाइनल स्टेज पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइल्स का काम, बाहर का जो टाइल्स का काम है वो अब कंप्लीट हो चुका है, और ये इधर इस साइड पे भी जो वुजू के लिए जगह है वो भी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। और ये मेरे लेफ्ट साइड पे जो है वो स्ट्रीट नंबर 46 के विलाज हैं, विला नंबर 58 से डाउनवर्ड जा रहा है 57, और इससे आगे ये विला नंबर 1 तक जाएगा। ये तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर है, लास्ट टाइम भी इसी तरह था, अगर 2-2.5 माह पहले इसका स्टेटस देखते हैं तो आज भी ये विलाज उसी लुके अपने उसी कंस्ट्रक्शन स्टेटस पे हैं, इसमें बैरी ने इतना कोई काम नहीं किया। फिर ये आ जाता है राइट साइड पे प्रीसेंट स्ट्रीट नंबर 36, विला नंबर 1 से लेकर 8 तक, ये 8 के 8 विलाज जो हैं वो जामा मस्जिद को फेस कर रहे हैं, ईस्ट ओपन विलाज हैं, और इसका पोजेशन तो पहले ही बैरिया दे चुका है, ये लास्ट वीडियो में भी कंप्लीट थे, तो इसका तो बताना आपने ख़ुद भी देखा होगा, जिनके विलाज हैं 8 ही ओनर होंगे इसके, और 8 ओनर को पोजेशन लेटर जा चुका होगा बैरिया की तरफ से। रोड नंबर 17 पे इंटरेस्ट की, ये सामने जो विलाज हैं वो रोड नंबर 2A के विलाज हैं, और उसके बाद बैक साइड पे व्यू जो है वाइफल टावर के। स्ट्रीट 36 के बाद हम आ जाते हैं स्ट्रीट नंबर 37 में, स्ट्रीट नंबर 37 में 1 से लेकर 9 तक जो है वो मेरे राइट साइड पे विलाज हैं जो कि ईस्ट ओपन है, और 10 से लेकर 17 तक जो विलाज हैं वो वेस्ट ओपन है। अब 10 से लेकर जो 17 तक जो विलाज हैं वेस्ट ओपन, ये तकरीबन कम्प्लीट हो चुके हैं, इसमें काम किया है बैरिया ने, जो कि लास्ट वीडियो में आपको बिल्कुल ग्रे मिला था अपने देख भी सकते हैं, और अभी जो है वो यहाँ पे ये जो 10-12 विलाज हैं ये कंप्लीट कर दिए हैं, और राइट साइड पे जो है वो काम हो रहे हैं, यहाँ पे लेबर भी आपको इस वक्त काम करती दिखाई दे रही है। स्ट्रीट 37 के बाद हम सामने जो हमें विला नज़र आ रहे हैं वो स्ट्रीट नंबर 46 के विलाज हैं, 46 के विला का तो वही हाल है जो लास्ट वीडियो में था, यहाँ पे बिल्कुल बैरिया काम नहीं कर रहा। स्ट्रीट 37 के बाद इंटरेस्ट करूँगा स्ट्रीट नंबर 38 की लोकेशन पे, 38 में विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 11 तक जो विलाज हैं वो ईस्ट ओपन है, और 12 से लेकर 21 तक विलाज जो हैं वेस्ट ओपन है।
स्ट्रीट 38 में काम हुआ है, और आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं जो लास्ट वीडियो है। इसमें आपको जो विला कंप्लीट होने वाले हैं, जो पहले कंप्लीट होंगे और कुछ कंप्लीट हो भी चुके हैं जो कि लॉक हो चुके हैं, उनमें विला जो वेस्ट ओपन विला है, विला नंबर 12 से लेकर विला नंबर 20 तक ये कंप्लीट हो चुके हैं स्ट्रीट नंबर 38 के। जो ईस्ट ओपन है 1 से लेकर 11 तक, ये अभी कंप्लीट नहीं, यहाँ पे काम कुछ रहता है। फाइनल ये है कि 2-4 माह के अंदर मैक्सिमम यहाँ पे फाइनलाइज हो जाएंगे और आप इसका पोजेशन अप्लाई कर सकेंगे। रोड नंबर 17 पे हमने इंटरेस्ट की, उसके बाद हम स्ट्रीट नंबर 39 में इंटर होंगे। मेरे लेफ्ट साइड पे स्ट्रीट नंबर 39 है, इसमें विला नंबर 1 से लेकर 13 तक जो है वो ईस्ट ओपन विलाज हैं, और 14 से 25 तक जो विलाज हैं वो वेस्ट ओपन विलाज हैं। इसमें जो काम में बेहतरी आई है कि यहाँ पे टाइल्स का काम बैरिया कर रहा है, और दरवाजे भी चंद विलाज हैं जहाँ पे बैरियर ने दरवाजे भी लगा दिए हैं, वो भी मेरे लेफ्ट साइड के विलाज हैं जहाँ पे काम हो रहा है। राइट साइड के जो विलाज हैं इनमें मामूली सी तब्दीली नज़र आई है कि थोड़ा बहुत काम किया है। जो वेस्ट ओपन विलाज हैं वहाँ पे ग्रिल भी लग चुकी हैं और इसी तरह दरवाजे भी लग चुके हैं अक्सर विला में। सामने वही स्ट्रीट नंबर 46 का विलाज हैं, ये वो सेमी कॉर्नर विलाज होते हैं जिसका हम बताते हैं कि बैरियर आपसे 10% नहीं लेता। ये लैंड जो है तकरीबन कोई 20 फीट लैंड बनती है जो कि दोनों विला होल्डर्स जो हैं वो यूज़ करेंगे। इसमें आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने हैं, जिस तरह आप कॉर्नर में एक्स्ट्रा चार्जेस पे करते हैं वैल्यू को। स्ट्रीट नंबर 39 के बाद हम इंटरेस्ट करेंगे स्ट्रीट नंबर 40 की तरफ। मेरे राइट साइड पे स्ट्रीट नंबर 40 के विलाज हैं, विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 14 तक मेरे लेफ्ट साइड पे विलाज हैं जो कि ईस्ट ओपन है, और विला नंबर 15 से लेकर विला नंबर 27 तक जो है वो वेस्ट ओपन विलाज हैं, और ये विलाज तकरीबन उसी हाल में है जो कि आज से 2-2.5 माह पहले थे। यहाँ पे लेबर काम नहीं कर रही, इनका कंस्ट्रक्शन का काम अभी रुका हुआ है। वजह नहीं बता सकते, ना हमें वजह पता है कि बहरे यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा। यही जो लेबर आज से 6 माह पहले यहाँ पे काम कर रही थी, ठीक है, वही लेबर जो है वो अगर देख रहे हैं तो वो स्ट्रीट नंबर 29, स्ट्रीट नंबर 15 से लेकर 29 तक के जो विलाज हैं इनमें बड़ी तेज़ी से काम हुआ है। और पिछले 6 माह के अंदर आपको अगर 6 माह पहले की वीडियो देखते हैं तो वो बिल्कुल ग्रे थे, आज वो विलाज तैयार हो चुके हैं। स्ट्रीट 41 में इंटरेस्ट करेंगे, विला नंबर 1 से लेकर 16 तक जो है वो ईस्ट ओपन है, 17 से 31 तक जो है वो वेस्ट ओपन है। इसमें भी वही हाल है कि टाइल्स का काम मेरे जो वेस्ट ओपन विलाज हैं मेरे लेफ्ट साइड पे, इनमें टाइल्स का काम बैरी ने किया है, यहाँ पे टाइल्स लगा दी हैं। जो राइट साइड पे यहाँ पे टाइल्स का काम हुआ है पर इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना मेरे लेफ्ट साइड जो वेस्ट ओपन विलाज हैं स्ट्रीट 41 के, वहाँ पे काम किया बैरी ने। अब जो स्ट्रीट नंबर 40-41 का मैंने आपको स्टेटस बताया है, ये दोनों का तकरीबन सेम स्टेटस है, यहाँ पे काम जो है वो ना होने के बराबर है। स्ट्रीट 41 से हम निकलेंगे तो हम इंटरेस्ट किया है स्ट्रीट 46 पे, 46 से हम इंटरेस्ट करेंगे स्ट्रीट नंबर 42 की तरफ, विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 17 तक जो है वो ईस्ट ओपन विलाज हैं। अब ये विला नंबर 1 की जो एक्स्ट्रा लैंड है तकरीबन ये 450 गज एक्स्ट्रा लैंड बनती है। अब 10% यही है कि आपने 15 लाख रुपए पे करके 450 गज एक्स्ट्रा लैंड को यूज़ करना है, और इसमें भी कंस्ट्रक्शन स्टेटस जो है वो सेम ही है कि यहाँ पे हमें वही चीज़ मिल रही है जो आज से 2-2.5 माह पहले मिल रही थी, यहाँ पे इतना काम नहीं किया बैरिया ने। और इनकी प्राइसेस में भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, प्राइसेस ये हैं कि यहाँ पे स्ट्रीट नंबर जो 32 से लेकर स्ट्रीट नंबर 46 तक जो जनरल विलास हैं वो हमें मिलेंगे 175 लाख से स्टार्टिंग, और यहाँ पे जो विला की प्राइसेस है वो 2.25 करोड़ तक भी है। जैसे कि जो रेडी विलाज हैं और रोड 14 के विला देखेंगे वो 2.25 करोड़ तक के भी विला की प्राइसेस हैं। तो इन सब में जो कंस्ट्रक्शन स्टेटस के लिहाज से ही इनकी प्राइस में वेरिएशन आएगा। अगर आपको 175 में मिल रहा है विला यहाँ पे तो वो ग्रे स्ट्रक्चर मिलेगा 175 में, अगर आप यहाँ पे तैयार विला लेंगे तो वो आपको 2 करोड़ तक मिलेगा।
अभी इंटरेस्ट करेंगे स्ट्रीट नंबर 43 की तरफ, जो कि विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 20 तक के विलाज हैं, 19 तक के विलाज, सॉरी वो ईस्ट ओपन है, 20 से 37 तक के विलाज जो हैं वेस्ट ओपन है, और यहाँ पे भी सेम स्टेटस है कंस्ट्रक्शन का, स्ट्रीट 40 से लेकर 43 तक तकरीबन काम ना होने के बराबर है। उनकी प्राइसेस में भी वेरिएशन इतना ज़्यादा नहीं है जितना हमें दूसरी साइड पे देखने को मिला है, कि जो मेन जना से हट के हैं स्ट्रीट नंबर 15 से स्ट्रीट नंबर 29 तक, वहाँ पे प्राइस में काफ़ी ज़्यादा जो हमें ग्राफ जो ऊपर को नज़र आया है वो इस लोकेशन पे नहीं है, जो इनके वैरायटी विलास हैं उनमें ज़रूर हमें मिला है, क्योंकि ये जना के करीब है ये वाले विलास, स्ट्रीट नंबर 1 से लेकर 13 तक, फिर उसके बाद स्ट्रीट नंबर 31 से लेकर स्ट्रीट नंबर 46 के विलाज हैं, ये बिल्कुल जिना के करीब है, ये तो स्ट्रीट नंबर जो प्रिसेंट 31 है उनके विलाज को भी ये बिल्कुल टच कर रहे हैं, ये विलाज जो रोड नंबर 15 है उसकी बैक साइड पे प्रिसेंट 31 के रोड नंबर 5 के विलाज हैं। अभी हम इंटरेस्ट करेंगे स्ट्रीट नंबर 44 में, स्ट्रीट नंबर 44 में 1 से लेकर 20 नंबर तक के जो विलाज हैं वो वेस्ट ओपन विलाज हैं, और 21 से 37 तक के विलाज हैं वो ईस्ट ओपन विलाज हैं, और कंस्ट्रक्शन स्टेटस जो है वो काम ना होने के बराबर है पिछले 2 माह की, अगर हम यहाँ पे वर्क को देखेंगे बैरी ने बिल्कुल भी यहाँ पे काम नहीं किया अभी। अब प्राइसेस में ज़रूर यहाँ पे आपको ग्राफ जो है वो ऊपर ही मिलेगा, यहाँ पे 149 की ब्रैकेट में मिलता था 2-2.5 माह पहले, जो आज 175 की ब्रैकेट में जा चुका है, तकरीबन 20-25 लाख का आपको यहाँ पे प्राइस में वेरिएशन देखने को मिला है। स्ट्रीट 44 के बाद हम इंटरेस्ट करेंगे स्ट्रीट नंबर 45 की तरफ, विला नंबर 1 से 16 तक ईस्ट ओपन विलाज हैं, विला नंबर 17 से 32 तक विलाज जो हैं वो वेस्ट ओपन विलाज हैं, और ये विला भी सेम स्टेटस है इनका भी, कि यहाँ पे कोई लेबर नहीं है, पिछले 2 माह से यहाँ पे काम नहीं हो रहा, और ये सामने जो आपको खाली स्पेस नज़र आ रही है ये पार्क की स्पेस है, जो कि बैरिया इन फ्यूचर पार्क बनाएगा। मेरे राइट साइड पे पार्क है, सामने स्ट्रीट नंबर 44 के विलाज हैं। अब इस स्ट्रीट में स्ट्रीट 46 में जो थोड़ा सा हमें काम नज़र आया ना, वो विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 14 तक जो है ना वो काम देखने को मिला है, कि यहाँ पे काम कर रही है बैरियर की लेबर और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हुई है, इस तरह के विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 4 तक जो स्ट्रीट 46 के विलाज हैं, ये मेरे लेफ्ट साइड पे स्ट्रीट 46 के विलाज हैं, ये तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं फाइनल स्टेज में, इसी तरह इससे आगे जो विलाज इनमें टाइल्स लग चुकी हैं, एलुमिनियम का काम हो चुका है, और इसी तरह कुछ में दरवाजे भी लग चुके हैं। अब ये विला जो है 1 से लेकर 4 तक ये लॉक हो चुके हैं, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है काम, और ये सामने जो आपको कंप्लीट विलाज नज़र आ रहे हैं ये रोड नंबर 16 के विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 6 तक, ये पिछले तकरीबन 4 माह से ही तैयार हैं, उसके बाद बैरिया ने जो 7 नंबर विला से लेकर 44 तक के विलाज की नंबरिंग जा रही है, यहाँ पे काम जो है वो बहुत स्लो किया है, इतना तेज़ी से काम नहीं किया जितना कि दूसरी साइड पे हमने देखा है स्ट्रीट 28-29 में बैरी ने काम किया है। अभी ये देखें कि काम रोड 16 पे स्टार्ट हुआ है, ये विला नंबर 44 पे काम स्टार्ट है, विला नंबर 43-42 रोड नंबर 16 पे जो है वो काम स्टार्ट हो चुका है, पिछले 2 माह पहले आया था 2.5 माह पहले जहाँ पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा था, ये अब फाइनल पेंट हो रहा है। अब ये है कि ये मेरे लेफ्ट साइड राइट साइड जो विला नंबर 22-20 है इन पे भी बैरिया काम स्टार्ट कर दी गई, ये राइट साइड पे जो है कंप्लीट है, इनकी टाइल्स लग चुकी हैं, एलुमिनियम का काम जो है वो हो रहा है, और ग्रेल्स वगैरह भी कुछ विला में हो गई हैं, और जिस तरह विला नंबर 44 था मैंने आपको बताया कि वो विला नंबर 44 भी, और इसी तरह 43-40 से 44 की ब्रैकेट में जो विलाज हैं वहाँ पे भी बैरिया ने तकरीबन वो फाइनल स्टेज पे हैं, 2-4 माह के अंदर वो भी कंप्लीट हो गए, वहाँ पे बैरिया लॉक लगा देगा। ये रोड नंबर 17 की तरफ आ गया, और हमारा जो
रोड रह गया है वो रोड नंबर 1 रह गया, जो कि विला नंबर 36 से विला नंबर 65 तक के विलाज हैं वो कवर करने। ये सामने मेरे बिल्कुल जो है वो चिनाई एवन्यू है, और ये सामने जो प्लॉट नज़र आ रहे हैं आपको खाली स्पेस है, ये प्रिसेंट 36 के प्लॉट हैं। अब जो रोड नंबर 1 के ये वाले विलाज हैं ये भी वेस्ट ओपन विलाज हैं, और यहाँ पे जो लास्ट टाइम था कोई भी एक फैमिली नहीं थी, और आज जो यहाँ पे हमें फैमिली देखने को मेरी तकरीबन 6-7 फैमिलीज हैं जो इन विला में शिफ्ट हो चुकी हैं। इनका भी लोन अच्छा मेंटेन किया है लोगों ने, और अभी हम जाएंगे जो हमारा लास्ट रोड नंबर 15 रह गया उसको हमने नहीं विज़िट किया। रोड नंबर 15 में तो काफ़ी देर से काम हो रहा है, उसमें काम इंशाल्लाह उम्मीद है कि हुआ होगा अभी, और भी जो कि बाकी स्ट्रीट में देखा है कि नहीं हो रहा। तो ये रोड जो है रोड नंबर 15, इसको हमें कवर करना होगा दूसरी साइड से आके, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडर लगा के रास्ता बंद किया हुआ है। ये वही रोड नंबर 1 के विलाज हैं, मेरे राइट साइड पे 40, 41, 42, 43 सीरीज़ के विलाज चल रहे हैं, और ये मेरे राइट साइड पे सामने आपको जो व्यू मिल रहा है ये एक तो जिनाई एवन्यू का है, उसके बाद सामने आईफिल टावर का व्यू भी मिलता है यहाँ से आपको। आप अपने टेरेस पे खड़े हैं विला के तो आपको आईफिल टावर का व्यू मिल जाएगा। और अभी जो हमने विज़िट करना है जो हमारा लास्ट रोड रह गया रोड नंबर 15, जो कि कंप्लीट हो जाएगा हमारा बैरिया स्पोर्ट सिटी विला का टूर। इसमें रोड नंबर 16 पे हम आ गए, जिसे अभी हम विज़िट करके गए थे, और प्राइसेस वही हैं जो मैंने आपको बताई। यहाँ पे विला की प्राइसेस हैं जो स्टार्ट हो रही हैं मिनिमम 1.75 करोड़ से लेकर मैक्सिमम 2.25 करोड़ के ब्रैकेट में आपको यहाँ पे भी विला मिलेगा। अब प्राइस का वेरिएशन जो है वो इसी वजह से कि यहाँ पे कुछ विलाज हैं जो तैयार हो गए हैं, कुछ विलाज हैं जो अभी तैयार नहीं हुए, ग्रे स्ट्रक्चर हैं जिनमें बिल्कुल ही बैरी ने काम नहीं किया। रोड नंबर 15 का विला नंबर 1 से लेकर 15 तक आपको बताया कि काम काफ़ी हद तक हो चुका है। ये रोड नंबर 1, और यहाँ से हम एंट्रेस करेंगे रोड नंबर 15 की तरफ। ये रोड नंबर 15 का विला नंबर 1, जो कि लास्ट भी विला नंबर 1 से लेकर 10 तक के जो विलास थे वो तो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुके थे। और अभी जो हमें देखने को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे फैमिली भी आ चुकी है, ये विला नंबर 9 में, विला नंबर 9 में रोड नंबर 15 पे फैमिली आ गई है, और इसी वजह से रोड नंबर 15 की जो प्राइस है ना वो काफ़ी इंक्रीज होगी। यहाँ पे जो विला मिल रहा है इस वक्त 1.80 करोड़ की ब्रैकेट से यहाँ पे विला स्टार्ट हो रहा है मिनिमम। मेरे लेफ्ट साइड पे 124 नंबर विला था जो कि डाउनवर्ड नंबरिंग चल रही है, 119 नंबर है ये मेरे लेफ्ट साइड पे विला। अब ये जो विला तैयार हुए हैं विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 23 तक जो है वो विलास बिल्कुल तैयार हैं, कंप्लीट हैं, और इसी तरह अपोजिट साइड पे 110 नंबर विला से लेकर 124 तक के जो विलास हैं इनमें कुछ विला जो भी कम्प्लीट नहीं हुए, बाकी मोस्टली यहाँ पर विला तैयार हो गए। इसके बाद आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे काम देखने को हमें मिला है और काम हो भी रहा है रोड नंबर 15 में। विला नंबर 24 से आगे जो एलुमिनियम का काम हो रहा है, टाइल्स लगी हुई हैं बाहर, इसके बाद ग्लास का काम भी काफ़ी विला में हुआ है। फिर मेरे लेफ्ट साइड पे विला नंबर 100 से 109 तक के विलाज हैं, यहाँ पे भी टाइल्स का काम एलुमिनियम का काम कम्प्लीट हुआ है, डी पीज भी लगी हैं, और इसी तरह यहाँ तक जो है वो काम हमें नज़र आ रहा है 1 से लेकर 34 नंबर विला तक और 100 से लेकर 124 तक। इससे आगे जो काम है ना वो थोड़ा सुस्त है रोड नंबर 15 के जो विलाज हैं, इसी वजह से यहाँ पे जो रेट है वो
जो फ्रंट वाले विलाज हैं, यहाँ पे एक फैमिली भी आ गई है, फैमिली आने की वजह से इनकी प्राइसेस जो हैं वो मिनिमम 180 से नीचे हमें बहुत मुश्किल से कोई एक आध विला, वो भी अर्जेंट पेमेंट पे मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज यहाँ पे विला नहीं मिल रहा 1 करोड़ 80 लाख से नीचे, क्योंकि इसका असेस बहुत आसान है। मेन जिना से हम इंटर होते ही राइट साइड टर्न करेंगे, प्रीसन 31 की इंटरेस्ट है, 31 के बाद प्रीसन 35 की इंटरेस्ट है, 35 की इंटरेस्ट से आपको बड़ा आसानी से ये असेस मिलता है इससे। और मेरे राइट साइड पर जो विलाज चल रहे हैं, ये अभी कॉर्नर विला आ जाएगा, ये राइट साइड पर 66 नंबर कॉर्नर विला है, मेरे लेफ्ट साइड पर ये 69 विला नंबर 68, और इसी तरह ये कॉर्नर का विला आ जाता है विला नंबर 67 रोड नंबर 15 का, और ये सामने जो रोड जा रही है ये रोड नंबर 13 है, ये रोड नंबर 13 का विला है और ये रोड नंबर 14 के विलाज है। तो ये था टूर जो कि स्पोर्ट सिटी विला के हवाले थे, था आपको विजिट करवाया, कंस्ट्रक्शन स्टेटस बता दिया क्या कंस्ट्रक्शन स्टेटस है, किसकी वजह से प्राइसेस किन स्ट्रीट्स में हाई हुई हैं, किन स्ट्रीट्स में लो हुई हैं, और जो मेरी राय है कि यहाँ पे प्राइसेस जो है ना मज़ीद बढ़ती रहेंगी, जैसे यहाँ पे फैमिली शिफ्ट हो रही हैं कोविड के बाद, जिस तरह फैमिली यहाँ पे आई हैं, फैमिली का रुझान है, ठीक है, और अभी ये बारिशों का स्पेल फिर से आने वाला है, बारिशों का स्पेल आने के साथ ही यहाँ पे जो विला की प्राइसेस हमें अभी 175 की ब्रैकेट में मिल रही हैं, तो ये तकरीबन 2 करोड़ प्लस में चली जाएंगी, और ये दिन दूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बैरियन क्राइसिस देखने थे वो देख लिए बैरियन क्राइसिस, अब लोग समझ गए कि यहाँ पे हमें अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, एक लाइफ मिल रही है, और ऐसी लाइफ जो कि आप सिर्फ यूरोप कंट्रीज़ में ही देखते थे वो बैरियट और कराची आपको प्रोवाइड कर रहा है। हर किस्म की यहाँ पे सहूलियात मौजूद हैं, जो कि लोग समझते थे कि सिटी की तरफ जाना उन्हें पड़ेगा अपनी शॉपिंग करने के लिए, तो इम्तियाज़ का आ जाना और इसी तरह और दूसरे ब्रांड जो कि इन फ्यूचर आ जाएंगे बहुत जल्द, तो वो आ जाने के साथ मार्केट में और जो है ना इसमें इन विलाज में प्लॉट में इवन के पैरे की मार्केट मज़ीद बड़े बेहतर होती जा रही है, और ये अब जो लोग सोचते हैं जिनका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पे जो विला की प्राइसेस हैं वो फिर से दोबारा से नीचे आएंगी, तो ये शायद उनकी ये जो थॉट है वो शायद ना पूरी हो। तो टूर कंप्लीट हो गया मेरा स्पोर्ट सिटी विलास का, इंशाल्लाह दूसरे विलास का भी आपको इसी तरह टूर्स दूंगा, जिसमें 27, 31 के विलास, 10, 11 के विलास हैं, तो वो लोग जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या वो हजरात जो यहाँ पे माइंड बना रहे हैं सेलिंग बाइंग के हवाले से, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी मैंने अपना नंबर दिया है और इसी तरह आपकी स्क्रीन पर भी मेरा नंबर शो हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी रीडर, अल्लाह हाफिज़।